और गांव को भी मैं आ रहा हूं कि अधिकतम काम के लिए 5 मिनट है। ये पावर ये रिसेप्शन तो हो गया हां अभी तो बहुत जो हमारे जान फंस गए उसी से हम लोग मौजूद है और इतने चेहरे दिख रहे हैं वो सब लगातार इस शहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ या अन्याय के खिलाफ सड़कों पे दिखते हैं वो लोग विषय में जो मीडिया शब्द लगा है वो उसको थोड़ा सा और आगे करते हैं। मीडिया और भ्रष्टाचार का समझ में नहीं आया। मीडिया वो तत्व है जो भ्रष्टाचार को बहुत सबके बीच ला रहा है और संजय का काम जो काम है संजय का था महाभारत में वो मीडिया कर रहा है। तो इसलिए मीडिया के साथ कोई भ्रष्टाचार का कोई इतना है कि वो सब कुछ खराब है अच्छा है सब आपके सामने पर होता है उस पर आरोप भी लगते हैं कि जब चाहे गिरा देता उठा देता तो आप गिरो उठो आप जाने मीडिया क्या करे। मुख्य रूप से बात आई कि भ्रष्टाचार मिटे कैसे, व्यक्तिगत पीड़ा है लोगों की कि हम सब सही हो जाए तो सब हो जाए तो फिर ये नई बात कहाँ से आई, ये तो बहुत पहले से कहा जा रहा हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो इसमें इतना जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये भ्रष्ट है ये चोर है इनको निकाल के बाहर करो मारो पीटो तमाम चीजें कही जा रही है तो फिर हम खुद ना बदलें। दिक्कत दो बातों में है कि व्यक्ति बदल रहा है और व्यवस्था नहीं बदल रही तो भी नहीं भ्रष्टाचार मिटेगा। व्यवस्था बदल दे और व्यक्ति न बदले तो भी भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। तो बड़ी बात है कि व्यक्तिगत रूप से हम ईमानदार हैं दृढ़ संकल्प है कि मैं अपने टेलीफोन को घूस दे के नहीं बनाऊंगा चाहे 10 दिन लग जाए बगल वाले 24 घंटे में। परिचय भी देना पड़ता था कि मालूम तो पड़ा कि हाँ मैं दीपक मांझी यहाँ का सिस्टम जो जी जी बता रहे तो व्यक्ति और व्यवस्था दोनों बदली। व्यक्ति बदल गया व्यवस्था नहीं बदली और व्यवस्था बदली तो व्यक्ति नहीं बदला। तो गांधी यही बात कहते हैं कि व्यक्ति और व्यवस्था जब बदलेंगे तब ये परिवर्तन आएगा। इंस्ट्रूमेंट क्या है, व्यक्ति तो आध्यात्मिक रूप से सबके धर्मों में लिखा अच्छे काम करें अच्छा करें योगा करें प्राणायाम करें व्यक्ति करें और प्रभु का ध्यान करें सब चीज में बदल जाएगा मन नहीं बदल। व्यवस्था जो बाहर का परिवेश है वो आपको बहुत देर तक विचलित कर देता है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या हो व्यक्ति और व्यवस्था बदलने का, तो मैंने अपने पिछले कई सालों से बातचीत में लोगों के पाया आज जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है अपने जीवन मूल्यों वो है राजनीति। पहले जीवन मूल्य बनते थे शिक्षा के मंदिर में, आज शिक्षा के मंदिर भी राजनीतिकरण हो गया, आध्यात्मिक क्षेत्र में राजनीतिकरण हो गया, धर्म के क्षेत्र में हर जगह राजनीति है, आपके रसोई तक राजनीति है। कल अगर गैस के दाम बढ़ेंगे सिलेंडर के तो राजनीति से ही तय होगा। तो आज जब जीवन मूल्य बदल रहे हैं राजनीति से तो राजनीति में जो जाने की प्रक्रिया है मैं आंदोलनकारियों से यही बात कहता हूँ कि कितना घमंड है इन सत्ता के बैठे लोगों पर, चैलेंज कर रहे हैं कि आइए मैदान अब आप आएंगे गिरेंगे। जब भी आएंगे जितने भी आंदोलनकारी राजनीति में आए उनका जो हश्र हुआ है इतिहास बताता है, चाहे जेपी हो चाहे गुरुदेव हो और कोई भी हो जिनके पास हजारों लाखों की संख्या, क्योंकि तो वहां जो राजनीति है वो है धर्म मजहब जात भाषा उसके आधार पे। तो वहां आप कहां ठहरेंगे, लाख दो लाख पांच लाख आदमी कहीं इकट्ठे हो जाएं उससे देश बदलता है। तो प्रोसेस ऑफ पावर है जो सत्ता में जाने की प्रक्रिया है वो कहती है बांटो और राज करो, हम कहते हैं जोड़ो और राज करो। अगर सत्ता पाना है कोई खराब बात नहीं, राजनीति में जाना है संसद से देश चलाना कोई खराब बात नहीं,
लेकिन जाने की जो प्रक्रिया है वो कहती है बांटो और राज करो, यही काम अंग्रेज करते थे। तो ये अंग्रेजों के जो दत्तक पुत्र हैं इनके साथ निपटने का जो तरीका है वो वोटर एजुकेशन का, धैर्य के साथ बदलाव होना चाहिए। आंदोलनकारियों में जो धैर्य की भाषा है वो नहीं दिखती, बहुत विचलित है और पीड़ा भी है। बदल डालो, घेर लो संसद, कहां कौन घेर सकता है। सत्ता की ताकत के आगे आप चाहे जितनी फोर्स ले आए, तो जब तक वोटर एजुकेशन का काम नहीं होगा। कि आप अन्ना जी ने एक बात कही है जो राजनीति में, कि अच्छे होंगे 10 में से, थोड़े कम से कम हो, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि सत्ता में जो जाने की प्रक्रिया में दो बातें हैं अन्ना जी की। मैं अन्ना के आंदोलन में भी था, मुख्य रूप से उनकी दो बातें, मैं पॉलिटिकल उनकी जो टीम है उससे मैं विचार नहीं रखता, स्वतंत्र है, अच्छा भी है, उनमें दम भी है। लेकिन मैं हस्त बता दूं इस आंदोलन के साथ राजनीतिक अगर आपने विकल्प खड़ा किया, आंदोलन की धार तुम हो जाएगी। जो लोग अन्ना के आंदोलन में नहीं भी हैं, घर में बैठे चाहते थे कि अन्ना जीते, वो निराश होंगे। तो आपका काम पिछले 5 साल, अगले 10-5 सालों तक यही हो लोगों कि जो सत्ता में जाने की प्रक्रिया है उसमें बदलाव आए। क्योंकि तमाम कंपनी बनी है, CBC, CBI, कैग, आप देखिए रिपोर्ट दे रहे हैं और इसके बाद ये मुंह की खा रहे हैं।